आज हम बात करेंगे कि हमारे जीने की राह कैसी हो, हम होश में रहें या बेहोशी में, क्या हम किसी के पीछे चलें या कोई हमारे पीछे चले, ये हम पर निर्भर है। जिंदगी सही ढंग से होश से चलती है, होश यानी अवेयरनेस। होश के हथियारे का नाम है नशा। पिछले दिनों हमने ये सुना था कि एक दिवंगत हुए एक अभिनेता को दवा के नाम पर नशा दिया गया, ये हम सब जानते हैं, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा देखा भी गया है। अब तो ये कानून ही तय करेगा कि देने वाले या लेने वाले में कौन कितना दोषी है, पर हम भारतीय समाज के लोगों को इस पर गहरा चिंतन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी के कुछ भटके हुए बच्चे नशे के गलियारों में भविष्य का उजाला ढूंढने निकल जाते हैं। पहले तो नशा भी छुप कर किया जाता था, लेकिन अब कई युवाओं का तो ये मानना है कि जो छुप कर किया जाए वो नशा क्या, खुलेआम नशा करने का मज़ा अलग है उनके अनुसार। कुल मिलाकर नशा एक नासमझी है। दवा और नशे का फर्क यदि समझ ना सके तो ये गलती हमारी है, स्वयं की है। दवा में नशा हो सकता है, पर नशा कभी दवा नहीं बन सकता। जब हम होश में रहते हैं तो जीवन हमारे पीछे चलता है, और जब हम नशे में होते हैं तो हम जीवन के पीछे चलते हैं। इसलिए याद रखें कि नशे का जीवन बर्बादी की मंजिल का सबसे आसान रास्ता है। D5 कामना करता है, उसकी यही मंगल कामना है कि आप हमेशा सही दिशा में रहें। अब चॉइस आपकी है कि आप किसके पीछे चलना चाहते हैं, जीवन के आगे या जीवन को अपने पीछे चलाना चाहते हैं। इच्छा आपकी है, चॉइस आपकी है। हम तो सिर्फ यही विश करेंगे कि आप हमेशा होश में रहें, ताकि जीवन हमारे पीछे चले, न कि हम जीवन के। आपको अगर ये बातें अच्छी लगी तो G5 हिंदी को सब्सक्राइब करें। हम आपके पास इसी तरह से आते रहेंगे और जीने की राह सिखाते रहेंगे।